नमस्कार, स्वागत है आपका ITP 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हाल ही में दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी की लहर दौड़ी है, तो वहीं बीते दिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इस जीत को लेकर राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने दंतेवाड़ा उपचुनाव व गांधी जयंती पर होने वाले सरकारी कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब डॉक्टर रमन सिंह को कोई नहीं पूछता, वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में उनकी कोई पूछ परख नहीं है, इसलिए वह हर वक्त दुखी नजर आते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए दिखाते हैं आपको। प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद हुए पहले चुनाव में दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की, प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन जी, मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी, आरती सिंह जी, घनश्याम राज तिवारी, ठाकुर विकास तिवारी, एडवोकेट सुरेश वर्मा इकबाल जी, अमित श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी और सबसे बढ़कर हमारे पत्रकार साथियों, बहुत दिनों बाद आज राजीव भवन में आप सब के साथ एक ऐसी पत्रकार वार्ता में हम सब उपस्थित हो रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से निवेदन करूंगा कि वे आप लोगों से मुखातिब हों और इनके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आपसे चर्चा करेंगे। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे सरकार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय गिरीश देवांगन जी और हमारे समस्त साथियों और मीडिया के साथियों, दंतेवाड़ा उपचुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने दंतेवाड़ा उपचुनाव लड़ा था और हमने जनता के बीच में 8 महीने की जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है उन सभी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच गए और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें सिर आंखों पर बिठाया और पहली बार हमने दंतेवाड़ा विधानसभा ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सम्मानित विधायक, हमारे उस क्षेत्र के जवान कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दंतेवाड़ा क्षेत्र की जागरूक मतदाताओं को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और माननीय भूपेश बघेल सरकार की जो 8 महीने की सरकार है उनको हम जनता के बीच लेकर के जनता को समझाने का प्रयास किया और जन उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका से आनंद देव जी शर्मा जी को भारी से भारी आज हम लोग के लिए विशेष उत्साह का दिन है, क्योंकि कल ही हमने दंतेवाड़ा का जो उपचुनाव है जो पिछले समय मात्र 2100 से पीछे रह गए थे उसे पाटते हुए 11,300 से अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीते हैं। इस जीत के कई मायने हैं। यह जीत दंतेवाड़ा के मतदाताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है जो मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में रात मेहनत किया, नीति कर्मा की मेहनत की जीत है। ये महेंद्र कर्मा की शहादत को
नमन है। हरि जी पिछले 9 मामलों में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उसकी दंतेवाड़ा ने मार लगाई है, उनकी जिस प्रकार से मोहन जी ने बताया विकास के मुद्दे हैं पिछली सरकार से इस सरकार के जो इकाई है उसमें अंतर है। उसके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के केंद्र मिशन खोरी रहा है, विकास का केंद्र अपने ठेकेदारों को मजबूत करने का रहा है। हमारी सरकार में विकास केंद्र बिंदु एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति उपेक्षित है, जो व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, जो व्यक्ति जो कुपोषण के शिकार है, वो व्यक्ति एनेमिक है, वो हमारे केंद्र में है। और इसलिए जो नियमित कफन हमने निर्माण कार्यों में नहीं, जो आवश्यक है निर्माण कार्य हमने किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल या एयर स्ट्रिप बनाने में खर्च नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकता को हमने ध्यान में रखते हुए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हमने की। गर्म भोजन प्रत्येक पंचायत में देना शुरू किया, जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जो 37.6% कुपोषण के शिकार हैं, उनको भोजन देना शुरू किया। 41.5% महिलाएँ खून की कमी से जूझ रही हैं, जो एनीमिक हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन देना शुरू किया। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की दिशा में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक हर सप्ताह प्रत्येक बाजार में जाना शुरू किया। और उसके साथ साथ भांडी गुड़ा में जो हमने जमीन वापस की, पूरी दुनिया भर में आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन वापसी करने का फैसला किया। 10 गांव के 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की। तेंदुपत्ता के दर में वृद्धि की, फॉरेस्ट राइट एक तहत पट्टा बांटना शुरू किया, और ऐसे बहुत सारे योजना हैं, कार्यक्रम हैं। ऋण माफी के लाभ लोगों को मिला, 25 रुपये क्विंटल धान खरीदे किए उसका लाभ मिला। जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा गरवा गाड़ी, इसका भी लाभ मिला। आम जनता से जुड़े हुए चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामुदायिक हो, गाँव हो, घर हो या परिवार हो या पूरा गाँव, सबको हमने ध्यान में रखते हुए फैसला किया। और उस पर दंतेवाड़ा के मतदाताओं ने मतदान किया, और यही कारण है पिछले समय जहाँ हमें 31% मत मिला था, इस समय वो बढ़ के 43% हुआ। तो ये 12% मतों की जो बढ़ोतरी है वो सरकार के किए गए कार्यों पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर,
मतदान हुआ है, विश्वास किया है जनता ने छत्तीसगढ़ सरकार का। अभी के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज में। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।